जितने कड़े धूप में भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, आप सब लोगों को सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। देखिए मानिक जी के हाथ में लालू जी ने लालटेन थमाया है और हम आप लोगों से अपील करने आए कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके हमारे ललित जी को आप लोग भारी बहुमत से जो जब जब लालटेन थमाया गया है तब तक भी विजय रहे, लंबे समय तक ये विधायक रहे हैं 6 बार और इस छक्का तो विधायकी में मार दिए, लेकिन इस बार दरभंगा सीट जिता करके ये दरभंगा में परिवर्तन लाने का काम करेंगे, विकास की धारा बहाने का काम करेंगे। इसलिए हमको तो डॉक्टर बोला था कि बेड रेस्ट कीजिए तेजस्वी जी, मेरे हड्डी में कमर में चोट है, हम अभी देखते हैं तो बेल्ट लगा करके घूम रहे हैं, यहाँ देखते हैं तो बेल्ट लगा के सुइया लेकर के हम बोले डॉक्टर साहब बेड रेस्ट लेना होगा तो आप बोल रहे 3 हफ्ता के लिए बेड रेस्ट लीजिए, 3 हफ्ता में तो चुनाव खत्म हो जाएगा, तो हम बोले डॉक्टर साहब को कि अभी तेजस्वी बेड रेस्ट नहीं लेगा जब तक गांधी जी को हम हटा नहीं देते, तेजस्वी को बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, मोदी जी को बेड रेस्ट की जरूरत है। देखिए असल मुद्दा जो है महंगाई का है, गरीबी का है, बेरोजगारी का, बताइए महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बेरोजगार कितने लोग हैं हाथ उठा के बताओ, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, पलायन बढ़ा कि नहीं बढ़ा है, बताइए। एक काम जो है मोदी जी ने नहीं किया, केवल ठगने का काम किया, झूठ बोला मोदी जी ने, हम लोग नए सोचते हैं, नया बिहार बनाना है, हमारे साथ मुकेश सहनी दिया है, इनको भाजपा के लोगों ने इतना तंग किया, अभी चुनाव में जो इनका सुरक्षा मिला था वो भी हमारे भाई का सुरक्षा को छीनने का काम किया, इनके विधायकों को खरीदने का काम किया, इसलिए ये भाजपा के लोग तानाशाही करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान को लोकतंत्र को आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, हम लोगों पे केस मुकदमा कराया, हम लोग डरने वाले नहीं है, देश के संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे, आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे किसी भी प्रकार से। ये भाजपा के लोगों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन तेजस्वी को जब 17 महीने मिला तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिलाने का काम किया, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया भीड़ करके आए, यानी 8 लाख नौकरी का व्यवस्था तेजस्वी ने किया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का काम किया, हम लोगों ने जो कहा वो किया, जो 17 महीने में हुआ वो 17 साल में भी नहीं हुआ, इसलिए आप जनता सभी लोगों से ये कह रहा है कि राहुल जी का लालू जी का हाथ आप लोग मजबूत कीजिए, भाई ललित जी को विजयी बनाइए, और जब ललित जी जीतेंगे तो इंडिया सरकार बनेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और जब इंडिया जीतेगा तो 15 अगस्त से पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरी पूरे देश में, गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे, यानी हर महीने 8,333 रुपया गरीब बहनों को हम लोग देंगे, गैस सिलेंडर 500 रुपया हम लोग कर देंगे, और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलाने का काम करेंगे, और बिहार को स्पेशल राज के दर्जा स्पेशल पैकेज भी हम लोग दिलाएंगे, साथ ही साथ अंतिम योजना को हम लोग खत्म करेंगे, 4 साल से
आपको रिटायर कर देगा, इसलिए अग्निवीर योद्धा में न शहीद का दर्जा है, न पेंशन है, न कैंटीन की सुविधा है। तो पहले जैसे बहाली होती थी वैसे ही बहाली हम लोग कराने का काम करेगा। तो ज्यादा समय नहीं है, देखिए हमको डॉक्टर खड़ा होने के लिए भी मना किया है, लेकिन इस अवस्था में आ रहे टेंट लगा करके हम लोग घूम रहे हैं, इसलिए आप सब लोग एक एक मरीज जी को सामने करिए, हाथ उठा करके बताइए, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मरीज जी जीतेंगे तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो विजय का माला पहना दे, लेकिन एक एक आदमी 10-10 वोट बनाने का काम करेगा। और भाजपा के लोग केवल हिंदू मुसलमान में दंगा कराना चाहते हैं, लेकिन असल मुद्दा बेरोजगारी का है, गरीबी का है, किसान का है, किसान का आय दुगुना होना चाहिए। सभी तरह शब्दों के साथ अपनी बात को यही नाम देते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद। जो बाबा दरभंगा की जनता सुनता पा।